हैं जी नारायण के हालात। ओए होए बहुत ट्रैफिक है भाई, एक एक करके मेरे ख्याल में ये लोग क्लियर कर रहे हैं। ले जी वेलकम बैक, और एक नई सीरीज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी इस वक्त जो हूँ, मैंने होटल जो है वो छोड़ दिया। होटल का कमरा मैं आपको नहीं दिखा सका, ये मेरा होटल था उस्मान होटल, और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि रात को जो था वो सारी रात बारिश होती रही है, और उसकी वजह से जो था वो फिर मतलब लाइट नहीं आ रही थी, तो मैं आपको कमरा नहीं दिखा सका। तो अभी मैं अपनी नई नॉर्थ सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज उसका जो है वो डे वन है, और इस वक्त पहले मैं जाऊंगा बालाकोट, और पिछले नहीं बल्कि कहना चाहिए कि एक दिन पहले मैं आ गया था लाहौर से कल रात को इधर रीड, जो कि मानसहरा डिस्ट्रिक्ट मानसहरा का ही पार्ट है, और यहाँ पे मैंने नाइट स्टे किया था। बहुत अच्छा रूम था, नया होटल था, 2022 में ये होटल बना है उस्मान होटल, और मुनासिब चार्जेस थे, 1000 के करीब उन्होंने चार्ज किया था। अभी इस वक्त जो है वो मेरा जो फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है फ्रॉम मानसहरा टू बाबूसर टॉप। ये आगे वेदर चेक करें, कमाल का वेदर है। पहले हम जाएंगे बालाकोट, यहाँ से बालाकोट जो है वो 24 किलोमीटर है, तो इनिशियल पहला जो हमारा स्ट्रेच का जो पार्ट है वो है बालाकोट, और फिर उसके बाद आगे कवानरान और लोलोसर लेक, और देन बाबूसर टॉप आ जाएगा। ये मेरा फर्स्ट स्ट्रेच जो है उसका शेड्यूल है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 1 या 2 बजे के करीब बाबूसर टॉप पहुंच जाएं। सुबह सुबह जो है वो आपको ट्रैफिक भी कम मिलती है, लेकिन यह है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। आह जनाब, हम जा रहे हैं बादलों में, और ये ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं बालाकोट। सॉरी, ये नीचे उतरेंगे तो हम पहुंच जाएंगे बालाकोट। बहुत कमाल का वेदर है आज, और उम्मीद है कि हम खैर वाफियत से बाबूसर टॉप क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि बारिशों की वजह से जो है वो लैंडस्लाइडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है। रात तो सारी बारिश होती रही है मानसहरा में, आगे अल्लाह खैर रखे, देखते हैं। और ये मेरे ख्याल में पहली लैंडस्लाइड है। अल्लाह खैर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने क्रॉस कर लिया। ले जी वेलकम टू बालाकोट सिटी, और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि सुबह सुबह है तो रश कम है, और इस सिटी को मैं क्रॉस कर रहा हूँ। अभी दुकानें सब कुछ बंद है,
नहीं तो यहाँ पे इतना रश हो जाता है कि ऑलमोस्ट आपको 35-40 मिनट लग जाते हैं इसको क्रॉस करने में। और ये जनाब वेदर चेक करें आप, अल्लाह खैर रखे। और मेरे ख्याल में कावान में हमें बारिश मिलेगी। और ये जनाब टिपिकल जीप है यहाँ की। ऑलमोस्ट जितनी भी मैंने अभी तक देखी हैं सब इसी तरह की हैं। अच्छा मैं समझा शायद लैंडस्लाइडिंग है। ये देखें बादल नीचे आए हुए हैं, ये नीचे ही रहे तो बेहतर है ताकि बारिश ना हो अभी, नहीं तो मुझे अपना मीडिया मोड उतारना पड़ जाएगा और मेरे दोस्त शाहजेब की हमेशा कंप्लेन रहती है कि भाई वॉइस क्वालिटी क्लियर नहीं है। भाई अब इतनी ज़्यादा बारिश होगी मैं क्या कर सकता हूँ, उतारना पड़ जाता है, इसमें पानी चला जाता है। गोप्रो तो वाटरप्रूफ है। ले जी बालाकोट सिटी तो मैंने क्रॉस कर लिया और अब जो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है कवान और फिर नारान, और इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे चलते जाएंगे। और बहुत उम्मीद है क्योंकि बाबूसर टॉप जो है वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट्स नहीं है, देखते हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह खुला होगा। बारिशें ज़्यादा होने की वजह से दरिया का पानी भी जो है वो चेंज हो गया है, वरना ये सब सुरंग का होता है और पानी का फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा है। बहुत खूबसूरत जी, वेलकम टू कावान। और इसकी जो सतह समंदर से हाइट है वो 8200 मीटर्स है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 273,000 273,000। अब इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट होगा डेस्टिनेशन वो है नारान, और नारान यहाँ से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 25 किलोमीटर के करीब होगा। कावान का सफ़र तो अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में छोटी छोटी लैंडस्लाइडिंग थी वो ऑलमोस्ट उन्होंने क्लियर कर दी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रात को जो था वो सारी रात बारिश होती रही है और कोई इतना बड़ा मेजर चंक नहीं था लैंडस्लाइड का। और आगे इंशाल्लाह नारान का देखते हैं और फिर बाबूसर टॉप हमें खुला मिल जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। ये मेरे ख्याल में कोई इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम हो रहा है और ये ऊपर नई रोड बन रही है जो कि फ्यूचर में यूज़ होगी और ये मेरे ख्याल में पानी के नीचे आ जाएगी। और सामने कोई नीलम जेलम टाइप प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है ओवर द रन, कोई इनका प्लान लग रहा है डैम बनाने का। काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं ये लोग, रोड की हालत काफ़ी खस्ता है।
काफ़ी स्टीप चढ़ाई अचानक से स्टार्ट हो गई है। जब वो रोड बन जाएगा फिर बंदा ऊपर से वो सामने पुल क्रॉस करके तो आप निकल जाएंगे। वो सामने मेरे ख्याल में इन्होंने बनाया कुछ। ओए होए ये गाड़ी टफ टाइम देगी। ये है जी नारान के हालात। ओए होए होए बहुत ट्रैफिक है भाई। एक एक करके मेरे ख्याल में ये लोग क्लियर कर रहे हैं वन बाय वन। ये मेरे ख्याल में आज रात को लैंडस्लाइडिंग हुई है। ओए हो फाइनली जलालत के बाद शुक्र है कि नारान क्रॉस हो गया। आज बहुत ज़्यादा रश था और किलोमीटर्स के हिसाब से लाइनें लंबी लगी हुई हैं और ज़्यादा जो लाइनें हैं वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से है। और क्योंकि आपने नारान बाज़ार के अंदर से गुजरते हैं तो ज़्यादा रश उसकी वजह से है। जनाब ये देखें क्या जबरदस्त व्यू है यार। और आहिस्ता आहिस्ता बादल आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी यह है कि पीछे लैंडस्लाइडिंग है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो मतलब रश है वो नारान पे रुका हुआ है और नारान में ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक है। तो मुझे उसका ये फ़ायदा है कि मैं सुकून से जा रहा हूँ तो अल्लाह ताला खैर वाफियत से लेके जाए सबको। लेकिन ये है कि आज जो है वो करीब तरीन होटल्स के रेट भी जो हैं एक एक हज़ार वाला होटल 10-10 हज़ार रुपये चला जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ बेसर की तरफ। बेसर यहाँ से ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की ड्राइव कह सकते हैं आप। लेकिन यह है कि नारान के बाद एक जो प्लस पॉइंट मैंने देखा है नारान तक रोड बड़ी खस्ता हाल है। जब आप शोगरान से नारान की तरफ जाते हैं तो उसके बाद आगे जो है वो रोड नारान के बाद अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कारपेटेड रोड ही मिली है।
अल्हम्दुलिल्लाह पहले गियर में चलते 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 वापस और शॉप पहुँचने वाला हूँ। फाइनली जी दिस इज बाबूसर टॉप और हमने 13,691 मीटर जो है वो सर कर लिया और इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं।